तो दोस्तों, दुनिया आगे बढ़ रही है, उसी के साथ टाटा की आने वाली नई नवेली आ चुकी। पंच की दाम भी बढ़ चुकी है भाई, दाम आने से पहले ही बढ़ गई। गाड़ी इतनी ज़्यादा महंगी निकली है, मतलब अगर आदमी खरीदने वाला सुन ले तो वो हिल जाए, डुल जाए, उसकी दुनिया इधर की उधर चली जा सकती है। तो मैं आज आपको फुल प्राइस डिटेल बताने वाला हूँ, इस गाड़ी का डिटेल में बताएंगे प्राइस आपको, और ये आपको ऑन रोड प्राइस जितने भी मैं बताऊंगा ये सारे के सारे आपको ऑन रोड प्राइस मुजफ्फरपुर होने वाले हैं। आप लोगों को मुजफ्फरपुर नहीं पता तो बिहार में BR06 इसका RTO कोड है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले का मैं आपको ऑन रोड प्राइस बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट वेरियंट जो कि बेस मॉडल होने वाला है प्योर, उस वेरियंट का नाम होने वाला है एक शोरूम प्राइस 5,49,000 होने वाला, यानी कि 5,49,000 होने वाला है। ऑन रोड प्राइस आपको RTO वगैरह वगैरह जोड़ते जोड़ते पड़ जाता है 6,35,140 रुपये। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगले वेरिएंट की बात करते हैं। देख लो, मैं पहले बता दूँ, बेस वेरिएंट का दाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया है टाटा ने, मतलब ठीक ठाक नहीं, अच्छा प्राइस दिया है, जो कि स्विफ्ट से सस्ती है, स्विफ्ट के बेस वेरियंट से सस्ती है। बट अब आते हैं सेकेंड बेस एडवेंचर वेरियंट पे। इस वेरिएंट का आपको एक शोरूम प्राइस 639 मिलता है। ये आपको ठीक लग रहा होगा, बट ऑन रोड सुनो, ऑन रोड 737,360, मतलब 7,37,360 रुपीज़। भाई गाड़ी की सेकेंड बेस मॉडल इतनी महंगी मिलने तो आदमी एल्ट्रॉस पे ना चला जाए। अभी आगे भी और बड़े बड़े झटके मिलेंगे आपको अगर इसके आप ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हो। टाटा का हर एक ऑटोमेटिक का आपको प्राइस 60,000 एक्सटेंडेड मिले, मतलब 60,000 प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक में। तो आपको AMT वाले का एक शोरूम मिलेगा, एडवेंचर AMT का एक शोरूम प्राइस मिलने वाला है 6,99,000 रुपीज़, और ऑन रोड प्राइस आपको मिल जाएगा 8,05,506 रुपीज़। और उसके बाद आता है आपको सेकेंड टॉप वेरियंट एकम्प्लिश वेरियंट, जिसका एक्स शोरूम प्राइस आपको मिलने वाला है 7,29,000, बट ऑन रोड प्राइस आपको मिलने वाला है 8,39,579 रुपीज़। और उसके बाद एकम्प्लिश AMT वेरिएंट आता है, जिसका एक्स शोरूम प्राइस आपको मिलता है 7,89,000 का, और ऑन रोड प्राइस आपको मिलता है 9,07,725 का। तो एक बात अब बताओ भाई, इसके जगह कोई नेक्सॉन ना खरीद लेगा? मतलब भाई टाटा वालों, इतनी तो सेंस लगानी पड़ती, तुम्हारी कंपनी की कोई गाड़ी खरीद लेगा भाई इसको छोड़ के? मतलब 9 लाख रुपीज़ कोई लगाने जाए, मेरे को वर्थ तो नहीं लगता है। ऑटोमेटिक में उससे अच्छा एल्ट्रॉज ले लिया, बट ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा वो अलग है। और क्रिएटिव वेरिएंट आपको मिलता है टॉप मॉडल, जिसका एक्स शोरूम प्राइस आपको मिलता है 8,49,000, बट आप ऑन रोड प्राइस तो सुनो, रुको जरा, सबर करो, ऑन रोड प्राइस आपको मिलता है 9,84,362 रुपीज़। मतलब भाई साहब, आदमी नेक्सॉन का टॉप मॉडल नहीं खरीद लिया, मतलब हम बेवकूफ़ बैठे पड़े हैं। और क्रिएटिव का AMT वेरिएंट का तो दाम सुनने के बाद आप कहोगे भाई मैं चला नेक्सॉन ही लेने, टाटा पंच गया तेल लेने, भाई नहीं खरीदने वाला। क्रिएटिव ऑटोमेटिक का आपको दाम मिलता है एक शोरूम प्राइस 9,09,000 रुपीज़। मतलब कि भाई टाटा वालों, एक शोरूम प्राइस इतना, ये एल्ट्रॉस से भी महंगा कर दिया गाड़ी को, और वो भी पेट्रोल वेरिएंट का। मैं सिर्फ दाम बता रहा हूँ, गाड़ी पेट्रोल वेरिएंट में आती है। ऑन रोड प्राइस आपको 10,53,108 रुपीज़ का पड़ता है। मतलब टाटा वालों, हिला डाला, डुला डाला, गजब प्राइसिंग निकाला है भाई साहब। इतनी प्राइस में आदमी नेक्सॉन भी खरीद सकता है, बट डिपेंड्स अपॉन पीपल, आप लोग ये गाड़ी भी ले सकते हो, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं आप में से बहुत कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं, और सब्सक्राइब तो उससे भी कम लोग करते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।